तो जय हिंद दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एडमिट कार्ड दोस्तों 15 तारीख को आ जाना चाहिए था, बट अभी तक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एडमिट कार्ड नहीं आया है। कल से दोस्तों सारे यूट्यूबर्स आपको भर भर के वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग तीन तीन चार चार वीडियो बना दिए हैं कि भाई सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आ चुका है, ऐसे डाउनलोड करें, वैसे डाउनलोड करें, ये करें, वो करें। तो भाई मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, और जो पुराने प्रोसीजर से आपको बताया जाता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एडमिट कार्ड को, वो लिंक को भी दोस्तों आज सुबह डीएक्टिवेट कर दिया गया है, मतलब वो लिंक काम नहीं कर रहा। तो अब दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का क्या एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है या एडमिट कार्ड दोस्तों और डाउनलोड नहीं होगा, क्या होने वाला है और किस प्रोसीजर से आपका एडमिट कार्ड न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, मैं बता दूं दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम पोस्टपोन होगा बोल के आपको सबको बता, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट के थ्रू कोई भी दोस्तों इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं बताया कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है क्या हो रहा है। अब जो ठहरा आपके एडमिट कार्ड का प्रोसेस की आपका एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करोगे और भाई इसको डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बता दूं। देखिए दोस्तों सीआरपीएफ की तरफ से आपका जो भी कंपनी आपका एग्जाम ले रहा है या आपकी भर्ती प्रक्रिया कर रही है वो दोस्तों आपको एक न्यू लिंक जनरेट करके देगी। मैं आपको बता दूं अभी दोस्तों जनरेट लिंक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको एडमिट कार्ड का एक न्यू लिंक बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अभी तक एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है तो आज ये जो नया दोस्तों लिंक है वो आज आपको शाम तक शायद देखने को मिल जाए, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जनरेट लिंक में जा सकते हैं, यहाँ पे एक नया लिंक एक्टिव हो जाएगा और बहुत जल्द दोस्तों आज शाम तक या आधा घंटा एक घंटा के बाद भी दोस्तों आपको नया लिंक देखने को मिल सकता है। पुराने तरीके से अब आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा, अब दोस्तों ये नया तरीका से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, नया लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आपको फिगर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो नया कंपनी अभी आपका एग्जाम करा रहा है ये शायद मेरे ख्याल से टीसीएस ही आपका एग्जाम करा रहा है टाटा वाला, और नया कंपनी कुछ नहीं है वही करा रहा है। तो एडमिट कार्ड न्यू प्रोसेस डाउनलोड होगा, जैसे ही इसके एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके पूरा दोस्तों ए टू जेड जानकारी दे दूंगा। तो अभी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा। फालतू लोगों के वीडियो को देख के पागल नहीं होने की एडमिट कार्ड आ गया है और एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया गया है, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जैसे एडमिट कार्ड आता है मैं डाउनलोड करके आपको वीडियो बना दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन अभी तो इसका एडमिट कार्ड नहीं आया तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फालतू के भाई लोगों से भीड़ के भाई कुछ फायदा नहीं है, एक यूट्यूब पर 10-10 वीडियो बना रहे तो उसके ऊपर आपको इतना फोकस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक चीज बता दूं, अगर दोस्तों अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चक्स पब्लिकेशन के तरफ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है, इसमें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, किस टाइप के दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट आते हैं पूरा दोस्तों प्रैक्टिस सेट का नॉलेज हो जाएगा, और बुक बहुत ही अच्छी है दोस्तों, न्यू एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पूरा दोस्तों नॉलेज हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप चाहो तो इस बुक को ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, चाहो तो ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा, तो प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको भी लगाना चाहिए और वो दोस्तों आप बुक के अकॉर्डिंग आप ठीक से कर सकते हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा और दोस्तों आज ही शाम तक, ठीक है, आज शाम तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज शाम तक या कल तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल। तो भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है और डरने की कोई भी बात नहीं है।